लॉ के बारे में तो नहीं आज, और करनी चाहिए वैसे बात काफ़ी अरसे से लॉ के बारे में नहीं की, लेकिन आजकल छुट्टियां भी हैं। मेरा आजकल जो नया पैशन है और जिस चीज़ का मुझे बहुत शौक हुआ वो उर्दू दास्तान है आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। और सबसे पहले मैंने पढ़ी निगार शाह, मजांग रोड के ऊपर पास ही दुकान है, उन्होंने तिलिस्म होशरुबा बचपन के अंदर हमने पढ़ी थी, दास्तान उमरु यार और तिलिस्म होशरुबा की भी आई थिंक मकबूल जहांगीर ने शायद लिखी हुई थी, मकबूल जहांगीर ने शायद लिखी थी। फिरोज सन से 10-10 किताबों का सेट वगैरह था और तिलिस्म होशरुबा, मुझे वैसे दास्तान अमीर हमजा ज़्यादा पसंद थी, वो मैंने पढ़ी। इधर उधर पढ़ी हुई हमने किताबें भी हमेशा एवरी वंस इन अ वर्ल्ड किताबों की दुकानों में, लेकिन महंगी इतनी होती हैं दास्तानों की किताबें कि आई वुड नॉर्मली नॉट पिक इट अप। ये मैंने भी रिसेंटली उठाई है और साथ बुक फेयर से उठाई थी, तो कलीला व देमना इंडियन भी है, ये भी उठाई है, अभी तक मैंने पढ़ी नहीं। इंडियन दास्तानों की दुनिया की 40 बड़ी ज़ुबानों में तर्जमा होने वाली हिंदुस्तानी क्लासिक, ये तो नहीं पढ़ी। खैर तिलिस्म होशरुबा पढ़ी, आई थॉट कि ये छोटे साइज़ के अंदर पढ़ के देख लेते हैं किस तरीके से। और ये मोहम्मद हसन अस्करी साहब जिनको मैं रेट करता हूँ, उन्होंने मोहम्मद हुसैन जाह और अहमद हुसैन कमर की का इंतखाब किया हुआ इसके अंदर। मेरा ख्याल तो पुरानी बहुत पुराने अंदाज के अंदर उर्दू वगैरह होगी, और हाँ बेशुमार वो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन बेशुमार जगह के ऊपर, आई वाज वेरी वेरी सरप्राइज्ड बाय तिलिस्म होशरुबा। अगर आप ओरिजिनल उसके अंदर कम से कम इंतखाब पढ़ें, एक तो बीच में नज़में और एक तरीके से गाने के अंदाज के अंदर इसके अंदर मौजूद हैं, तो इनिशली मैंने इग्नोर किया था, लेकिन अब जब पढ़े हैं तो सामने एक निगार को पाया, बोस्तान में बहार को पाया, बलौर का एक चबूतरा खूब इस हौज में उसके आगे महबूब, उस पे तख्त और तख्त पे हूर यानी एक नाजनी मगरूर, गर्द हल्का गर्द हल्का कई कनीज़ें सब चांद के गिर्द जिस तरह कौकब। और ये सारे के सारे पढ़ के बहुत रिदमे के और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में लिखा, और इतना ज़्यादा बल्कि इसके अंदर है ये जो पोइम्स और बल्कि गाने एक अंदाज हैं, इस थिंकिंग मेरा दोस्त अली नूर जो म्यूज़िशियन है उसको पकड़ के इसको एक मिनी एल्बम इसकी बननी चाहिए, और इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और भी काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग, नॉन शरीफाना चीज़ें भी इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है, और बचपन बच्चों की तो कहानी जिन भूत वगैरह के अंदाज से इन्होंने लिख दी हुई थी, बट इसके अंदर पढ़ने के काबिल हैं बेशुमार चैप्टर्स वगैरह, मैंने मुख्तलिफ जगह से चेक किए थे। छू छुका बैरों की भेंटे मिली और झटके कहे कहे ढोले झूमने लगे, बंगाली डमरू बजने लगे, मसान की मट्टी लेकर जोत का दिया कायम किया, ज़रूटें उड़ाने लगे, कई मंत्रों की जाप थी होना चुमारी। आई मीन जिस तरीके से आई मीन ये जिल्द चहारा मैं आई बिलीव ये शायद 6 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, उसके अंदर से किया हुआ है मुख्तलिफ चैप्टर्स से मुख्तलिफ इन्होंने पोर्शंस वगैरह निकाल के मोहम्मद हसन अस्करी ने जमा किया हुआ, डेफिनेटली वर्थ रीडिंग। और जब मैंने ये बीच में पढ़नी शुरू की तो मेरा शौक ये हुआ कि बाकी उर्दू दास्तान, और मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी अपनी टाइमलाइन के ऊपर शेयर किया है, वो भी आप ज़रूर चेक करें। इंडिया से एक दास्तानों के बारे में आया, वहाँ से पता चला कि जी उर्दू की सबसे शायद पहली खुदरस है दास्तान उर्दू दास्तानों की किताब, और बाकी भी किस्सा चहार दरवेश या बाओबहार जिसको कहते हैं वो भी ऑलरेडी पढ़ी हुई थी और पढ़ी भी हुई थी, वो गौर से पढ़ने का रुझान है। और ये सारी की सारी आई वॉज थिंकिंग पढ़ ही जाएँ एंटरटेनमेंट के लिए और उर्दू अब इम्प्रूव करने के लिए। रीज़न आपसे दोस्तों से चंद बेशुमार जो जिनका उर्दू की तरफ रुझान नहीं है, हैरी पॉटर पढ़ने की जगह ये भी पढ़ के अगर देख लें अगर आप अपनी उर्दू वकालत के लिए या और चीज़ों के लिए आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैंने हमेशा रखी, मेरी अपनी उर्दू को इतनी ख़ास अच्छी नहीं थी, अंग्रेज़ी में ज़्यादातर पढ़ा हुआ हूँ, तो ये चीज़ें वगैरह आप अपने शौक़ की चीज़ें पढ़ें जो आप इंजॉय करें उस लैंग्वेज के अंदर, के जो पढ़ते पढ़ते आपकी वोकैबलरी भी बेहतर होगा और आप किताबें पढ़ के वो आपकी ज़ुबान के ऊपर भी वो अल्फाज आ जाएंगे, और आप बेहतर अंदाज के अंदर जब आप वकालत करेंगे या आपका जो भी प्रोफेशन है उसके अंदर भी आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। खैर अभी निकला था मैं बाहर की जी तिलिस्म होशरुबा नहीं दास्तान मीर हमजा, ये तिलिस्म होशरुबा आई बिलीव संग मील ने छापा है 16 वॉल्यूम्स में 16,000 का, वो तो नहीं मैं ख़रीदने लगा, कबाड़ियों के पास गया था पता करने के लिए कि सस्ते में मिल जाती, वो तो नहीं मिली, लेकिन पास ही अलविकार पब्लिशर्स वगैरह हैं, वहाँ से तनकीदें वगैरह हमारी दास्तान प्रोफेसर सैयद वकार अजीम
कि ये उनके एसेज मुख्तलिफ दास्तानों के ऊपर जो लिखे हुए हैं उनकी कलेक्शन है कॉम्प्रहेंसिव नहीं है, क्योंकि इसमें आई मीन आई वॉज़ वेरी सरप्राइज कि जितनी ज़्यादा उर्दू के अंदर दास्तानें मौजूद थी, मुझे तो दो चार का ही सिर्फ पता था, मगर बागो बहार का फॉर एग्ज़ाम्पल, रानी कहती की कहानी दास्तान, अमीर हमज़ा, आरइश महफिल और हातिम की मुहिमें, बेताल पच्चीसी, महजूर के नौरतन, अशरार इश्क, शगुफा मोहब्बत, गुलो सनोबर, किस्सा अगरो गुल, शरशार की अलिफ लैला दास्तान, जो दास्तान है वो सारी की सारी यहाँ पे इसके अंदर लिखी हुई हैं। और भी आई मीन ये भी उठाई, ये मुझे उन्होंने देन आई वेंट टू कांट रिमेंबर द नेम यार, बुक होम के बिल्कुल साथ वाली जो किताबों की दुकान है, वेरी गुड, वहाँ से मजांग रोड के ऊपर उन्होंने ये रिकमेंड की कि जी ये ज़्यादा तस्खीर है, एक और सांझ पब्लिश बिल्कुल एग्जैक्टली, कि ये आप जाके चेक करें, ये भी दास्तानों की मोहम्मद हैदर अली ख़ान की है, तदवीन सलीम सोहेल ने की हुई है, ये पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा। बट फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ जिन भूत वगैरह की कहानी, आई मीन अगर आपने फिक्शन पढ़नी है, एपिक फिक्शन पढ़नी है, लॉर्ड ऑफ़ द रिंग्स अगर आपको पसंद है तो यू शुड चेक आउट दास्तान अलिफ लैला। खैर ये भी बहुत नॉन शरीफाना किताब, लगता है दास्तानें वगैरह चूँकि रात को बीच में दास्तान को वगैरह पढ़े जाते थे, आई मीन इट्स वेरी सेक्सुअल, और ये सारी की सारी उर्दू के अंदर आई वंडर किस तरीके से, पिछली आंखें भी बनी हुई उर्दू के अंदर, आई वंडर हाउ इट इज़ अगले ज़माने में शाहजमान अपनी मलका और गैर मर्द को कत्ल करना ही शुरू किया। शाहजमान इस वाक़े का किसी से वहाँ पहुँचा कि एक नहायत दिल खराश नज़ारा देखा कि उसकी अपनी मलका अपने ग़ुलाम के साथ महवे ख्वाब है। अगर आपने और किताब पढ़ी तो और भी ज़्यादा मैं भी ख्वाब यहाँ पे बीच में लिखा हुआ, उसकी गैरत ने लम्हा भर तवक्फ़ की इजाज़त ना दी और फौरन तलवार खींच कर दोनों का सर कलम कर दिए। उसके कत्ल के बाद खामोशी से अपने सफ़र पर रवाना हो गए। शुरू के अंदर ही दिस इज़ वेरी वेरी ब्रीफ, अगर आपने पढ़ना है, रिचर्ड बर्टन ने इंग्लैंड के अंदर जो वो एक्सप्लोरर था उसने ट्रांसलेट आई बिलीव की थी 1001 अरेबियन नाइट्स, और वो ग्रोन अप्स के लिए एक अंदाज से लिखी हुई थी, हमने तो बच्चों की इसके अंदर से कहानियाँ बना ली हुई हैं, बट दिस इज़ वर्थ चेकिंग आउट एज वेल। दास्तान अमीर हमज़ा की भी एक ब्रीफ वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है, ये भी किसने छापी है यार, एक सेकेंड, ये आपको मैं चेक करके कन्फर्म कर दूँ, सिटी बुक पॉइंट ने छापी है, और ये वाली भी आई बिलीव दास्तान अमीर हमज़ा, असल में तो अगर आपने बच्चों को पढ़ानी है तो आप अपनी वो इसको कहते हैं आपको पुरानी में मिल जाएंगी, और शायद अभी रीप्रिंट्स भी पड़ी हुई हैं उनके पास फिरोसंज वालों से, अल महजन प्रिंटिंग प्रेस, ये छापी किसने है, सिटी बुक पॉइंट, नवीद स्क्वायर, उर्दू बाज़ार, नियर मुकद्दस मॉस्क, कराची, कराची से उर्दू बाज़ार के अंदर से ये छप के आई है, अमीर हमज़ा की दास्तान। कल आई मीन अंग्रेज़ी के अंदर भी ट्रांसलेट हुआ है, बट मेरा मकसद उसके अंदर डिफ़ीट हो जाता है, वो हमारा आई थिंक उनका क्या नाम है यार अंग्रेज़ी के अंदर जिसने ट्रांसलेट किया हुआ है, मुशरफ फारूकी आई बिलीव, अमीर हमज़ा आई थिंक मुशरफ फारूकी ने ही लिखा हुआ, और वो एक पुरानी किताब के ऊपर की दुकान में 1500 की मिल भी रही थी, बट आई डिडंट पिक अप बिकॉज मकसद मेरा ये है कि उर्दू के अंदर रवानी आए तो इसलिए ये चीज़ें वगैरह, और देखिए दास्तान आपने पुराने ज़माने के अंदर तो नहीं पढ़ना, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप उर्दू में पढ़ें तो उसके बारे में क्रिटिसिज्म भी पढ़ें, ताकि एक तो आप अप्रिशिएट कर सकें और ज़रा तह में जा सकें, और बतौर वकील अगर आपने अपनी उर्दू ठीक करनी है और उर्दू के बारे में टेक्निकल अंदाज में और तह में जा के पढ़ने की और समझने की अगर आपने कोशिश करनी है तो क्रिटिसिज्म भी साथ पढ़ें। तो एक और किताब डॉक्टर रफ़ीकुल इस्लाम का उर्दू दास्तान के ऊपर, ये थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव इन्होंने किया, ये वाला भी अलविकार वालों ने ही छापा हुआ है, और ये मैं बीच में पढ़ रहा था, दिस इज़ मच बेटर देन कॉमेंट्री के लिहाज से, जो आपके सामने भी जिक्र हमारी दास्तान प्रोफेसर वकार अजीम की, बिकॉज इसको ये कॉम्प्रहेंसिव लगती है, सबरस, किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर, अजायबुल कसस, नौ आइन हिंदी, माधुल काम कोंदला, दास्तान अमीर हमज़ा, आरइश महफिल, तोता कहानी, बागो बहार, अफसाना इश्क, बेताल पच्चीसी, रानी कैतकी की कहानी, मज़हब इश्क, चार गुलशन फसाना अजायब, अजर गुल, अगर गुल, सरोश शुफन, तलिस्म हैरत, अलिफ लैला, लैला व लैला,
बोस्तान ख्याल, ये सारी की सारी करके, और इनका जो एनालिसिस भी है बहुत डिटेल के अंदर, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा ब्रीफली अभी मैंने बीच में पढ़ा है सबरस के बारे में जो चैप्टर लिखा हुआ था, बट इम्पॉर्ट यूजफुल टू एक्चुअली इसको इस्तेमाल करके वो किताबें हासिल करने के लिए भी। अब शौक में मैं जमा तो कर रहा हूँ, पढ़ूंगा क्या, कब क्या, किस तरीके से, ये भी एक सवाल है। और दूसरा ये है कि पुराने अंदाज के अंदर, फॉर एग्जांपल, एक चीज़ मैं इसके अंदर मुश्किल फेस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि जहाँ पे फारसी इस्तेमाल होती है बड़ी रवानी के साथ होती है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा गुम हो जाता हूँ, बट इतनी भी नहीं, और बहुत कम कट आउट की हुई इसमें तलस्म होशरुबा में, बट आई थिंक ओरिजिनल में होगी। मकतब यूसुफिया ने छापा है, मकतब यूसुफिया कहाँ पे है, उर्दू नहीं, दरबार मार्केट, शेख हिंदी स्ट्रीट, कच्ची गली, दरबार मार्केट, लाहौर, 300 रुपये की है, बाग बहार की। आई थॉट मीर अमन दहलवी चूँकि फरहंग के साथ था, तो आई थॉट आई विल गो हैड एंड यूज़ दिस। आखिरी किताब चूँकि मेरी ये ख़त्म हो रही है जल्दी से, ये रिकॉर्ड हार्ड ड्राइव के ऊपर जगह रिकॉर्ड करने वाली, तो आई थिंक आई शुड क्विकली टॉक टू यू अबाउट आखिरी किताब उर्दू दास्तान की। डॉक्टर कमरुल हुदा फरीदी ने भी ये लिखी है उर्दू दास्तान की तहकीक को तनकीद, और पढ़ के आपको बताऊंगा, बट वंस अगेन ये भी अलवकार ने किया। अगर आपका इंटरेस्ट उर्दू दास्तानों के अंदर है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म के ऊपर, तो अलवकार के पास प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा बेहतर है। महंगी अगर आपने ओरिजिनल्स ख़रीदनी है तो आई बिलीव वो आपको मिलेंगी संगे मील से, तो वहाँ पे भी विज़िट करूँगा, आपको अपडेट वगैरह करूँगा, बट मेरी नई ऑब्सेशन थी, आई थॉट आपसे शेयर करूँगा। इन्जॉय कीजिए, आई होप छुट्टियाँ आप भी इन्जॉय करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।